वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जैक बोर्ड का जो क्लास 12 है उसका इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए उसको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो है मांग के नियम का संबंध है, ठीक है। मांग के नियम का संबंध किससे है, इसके आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। आय और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो मांग के नियम का जो संबंध है वो मूल्य और मांग के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्या है, देखिए सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे स्फीति कहा जाता है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है, कैसी होती है औसत आय, औसत उत्पादन वक्र की आकृति उल्टे यू की तरह, ठीक है। एस उल्टे एस, अंग्रेजी अक्षर का एस इस तरह नहीं, उल्टे यू की तरह होती है औसत वक्र की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पे इस प्रकार है, देखिए केवल ए और सी, यानी संसाधनों की वृद्धि होगा और तकनीक में सुधार होने से ही उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, संसाधनों की वृद्धि और तकनीक में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम, औसत आगम को ए आर से सूचित किया जाता है, सीमांत आगम को एम आर एवं मूल्य को पी से के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, यानी आपका प्राइस बराबर ए आर बराबर एम आर, इसका बीच जो संबंध मूल्य जितना रहेगा औसत आगम भी उतना ही रहेगा और सीमांत आगम भी एक ही रहेगा, तो ये तीनों बराबर होती है, ठीक है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय में निवल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल अंतिम वस्तुओं को, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब भी पूरक वस्तुओं का एक दो पूरक वस्तुओं में से किसी एक पूरक की मूल्य में वृद्धि होती है तो मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे की कमी आती है, और जब कमी आएगी तो दूसरे पूरक वस्तुओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, ठीक है। मशीन को नहीं रख सकते हैं क्योंकि नदी जल खदान ये सब क्या है, भूमि के अंतर्गत ही ये संसाधन आते हैं, लेकिन मशीन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस ये आपका भूमि के अंतर्गत संसाधन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, तो अंतिम ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है, इसीलिए अंतिम ऋणदाता रिजर्व बैंक ही है, ये ही अन्य बैंकों को लोन देता है। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो इसका जो उत्तर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी दोनों है, ठीक है। तो इसका जो है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएँ और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएँ, अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, तो इसका जो उत्तर है इसीलिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है,
ठीक है, तो इनमें से सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन भी आता है, उपभोग भी आता है और विनिमय एवं निवेश भी आता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन, ये सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी एक विशेष व्यक्ति की रुचि या फिर उसका जो क्या मेंटेलिटी है वो ना पढ़ के हम लोग पूरे राष्ट्र का, पूरे एक देश का पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का ये परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं उपयुक्त सभी, देखिए वस्तु कीमत निर्धारण, यहाँ पे किसी वस्तु का कीमत किस जो इंसान खरीदता है, इंसान की प्रवृत्ति के आधार पर तय होती है। साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, ये तीनों व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? भूमि, श्रम, पूंजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन में जो साधनों की ज़रूरत पड़ती है उसमें भूमि भी ज़रूरी है, क्योंकि भूमि में ही हम लोग फैक्ट्री उद्योग को स्थापित करते हैं। श्रम, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी चाहिए, साथ ही पूंजी, आप फैक्ट्री को बिठाइएगा तो उसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा, मुद्रा उत्पादन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, ये आपका उत्पत्ति के काम में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र जो अक्ष है उसके ओर नतोदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र ही आर्थिक समस्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि से शक्ति है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। तो ये सभी क्या होगा, सही है। ठीक है, ये सभी कथन उपयोगिता के सिद्धांत के लिए काफ़ी सही है, तो ये सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयोगिता की ये सारी विशेषताएं हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे ही पता है, ये हुआ एक मनोवैज्ञानिक धारणा। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, सब व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है और सबका विचार अलग अलग होता है। ठीक है, उपयोगिता मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं आप मुझे कमेंट में बताइए, साथ ही ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।